अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि जिन दोस्तों का ये मसला है, हमारी वीडियो देखने के बाद उन दोस्तों का मसला क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक मॉडल है सैमसंग का, और ये सैमसंग का मॉडल जो है ओरिजिनल नहीं है, ये याद रहे। ये कोरियन मॉडल है, यानी कि ये चाइना में आ जाता है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको हम सिम इसके अंदर इंसर्ट की है। सिम डालने के बाद ये देखें, सिम तो उठा रहा है लेकिन इसके जो सिग्नल हैं वो नहीं आ रहे। यानी कि ये बोल रहा है कि एमरजेंसी कॉल ओनली, यानी कि कॉल वगैरह ना जाती है, ना आती है जब सिग्नल आएंगे नहीं, तो इससे हमारा जो है नेट भी नहीं चलता। तो इस तरह के जितने भी मॉडल हैं, ये तकरीबन काफ़ी सारे मॉडल हैं कोरियन के, चाइना के, जिस पर ये एंड्रॉयड वर्जन हो, और उन सब पे ये वर्क करता है। उम्मीद है कि हमारे ये जो मोबाइल है, यानी कि जिस तरह मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सिम पर आप वैसे करेंगे तो आपका जो मसला है यानी कि सिग्नल का, वो क्लियर हो जाएगा। और जो दोस्त हमारे इस वीडियो पर नए हैं, उन दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो मेरे पास ये मॉडल है, यानी कि SMN 9108B। ये एक मॉडल है, ये चाइना का मॉडल है। कोरियन मॉडल भी, कोरियन भी बता देते हैं, कोरियन भी चल जाता है। तो उम्मीद है कि जैसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल आपने ऐसे ही करना। तो आपका जो सिग्नल का प्रॉब्लम है, कॉल ना जाने वाले का मसला जो है, मैंने इसी बता रहा है। ये तकरीबन एंड्रॉयड के जितने भी ये कोरियन या चाइना के मॉडल हैं, उन सब पर वर्क करेगा। तो ये जो तरीका है, इसका ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मैंने इंस्टॉल की हुई है एप्लीकेशन, ये आपको नज़र आ रही होगी MTK वाली। तो आपने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, आप वहाँ जाएं, उसको डाउनलोड करें, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने सिंपल ऐसे ही करना है, तो आपका जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। आपने यानी कि MTK इंजीनियर मोड जो प्लस है, आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने ओपन करना है। और यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा रेडियो इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस मॉडल का जो सीरियल नंबर है वो क्या है। ये देखिए, अभी आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास अभी ये सीरियल नंबर लगा हुआ है। तो यानी कि हम इसका जो है सीरियल नंबर, IM नंबर चेंज कर रहे हैं। और ये जो तरीका है, ये सिर्फ आपने अपने ही मोबाइल पर इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे मोबाइल पर इस्तेमाल नहीं करना। तो अपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने रेडियो इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने तकरीबन 14 इंचों का जो भी नंबर आपने लिखना है। तो अभी चेक करते हैं क्या हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखने के बाद ये लाजमी है, यहाँ पर आपने यानी कि अभी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि एक मॉडल इज़ फेल्ड, ठीक है, ये एरर आएगा। इसके लिए लाजमी है कि आपने यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, आपने यहाँ पर यानी कि स्पेस डालनी है। स्पेस डालने के बाद आपने फिर दोबारा क्लिक करना है, तो आपका जो मसला है ये देखे, ये दोबारा एड कमांड इज़ फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये लाजमी है कि आपने इसको, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा यानी कि प्लस पर आपने स्पेस का बटन दबाना है, फिर बैक करना है, तो आपके पास इस तरह कमांड आएगी इस तरह की, आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो आपको दो एरर नजर आने, आपने इन दोनों के दरमियान में इस यहाँ पर लेके आने के बाद छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर वो लिखना है जो यानी कि आपने पहले लिखा था 1500 तक जो IM नंबर है, आपने वो लिखना है।
अच्छा, आई मेम्बर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने लिखने के बाद यहाँ पर दोबारा आपने प्लस पर आना है। प्लस पर आने के बाद आपने स्पेस दबाना है, स्पेस एक दफ़ा दबाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके पास ये दिखा रहा है आई ए कमांड इज सेंट, यानी कि जो आपका आई मेम्बर है वो सक्सेसफुली राइट हो गया। इसके बाद आपने सिंपल जो है अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और देखते हैं कि क्या जो हमारा मोबाइल है वो उसके जो सिग्नल का प्रॉब्लम था क्या वो सिग्नल दोबारा आते हैं, क्या ये जो हमने आई नंबर लिखा है राइट किया है, क्या ये जो इससे हमारा जो मसला है वो क्लियर होता है या नहीं। और जो दोस्त हमारे इस वीडियो पर नए हैं उन दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और जहाँ से आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिप्लाई करूँगा। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप है, ये जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ये तकरीबन एक कप सारे कोरियन मॉडल और ये चाइना मॉडल है एंड्रॉयड के, उन सब पे वर्क करता है। तो उम्मीद है कि जिन दोस्तों का ये मसला है हमारी वीडियो देखने के बाद दोस्तों का मसला भी क्लियर हो गया होगा। ये देखिए हमने जो आई नंबर लिखा है वो यानी कि वो राइट सक्सेसफुल हो गया है। अभी यानी कि हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे जो मोबाइल है वो सिग्नल उठा भी रहा है या नहीं। जी ये देखें दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो 100% वर्क कर रहा है और इसके जो सिग्नल है वो भी आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप दोस्तों का मसला भी क्लियर हो गया होगा। अभी यानी कि मैं कोई भी कॉल नंबर वगैरह मिलाता हूँ और देखते हैं क्या हमारा मोबाइल है वो कॉल अटेंड भी करता है या रिसीव भी करता है, इसकी ऑप्शन है वो चलता भी है या नहीं। तो हमारा जो मोबाइल है वो सक्सेसफुली क्लियर हो गया है। इसी तरह आप किसी भी दूसरे एंड्रॉयड या मोबाइल का इस तरह आई नंबर चेंज कर सकते हैं। ये याद रहे कि एंड्रॉयड मोबाइल वो है जो MTK सपोर्टेड हो, जो यानी कि चाइना में हो या कोरियन वर्जन में हो, तो आपका जो मसला है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया।